तो बात हो रही है दिल्ली एनसीआर में हुई भारी बरसात की, और इस बरसात की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है दिल्ली एनसीआर में। आपको बता दें कि 1.5 से 2 घंटे लगातार मूसलाधार बरसात हुई, और उसके बाद बरसात थोड़ी थमी, लेकिन अभी भी रुक रुक कर कई इलाकों में बरसात हो रही है, और इसने लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत दी है लेकिन परेशानी भी बढ़ा दी है। आपको बताएं कि बीते दिनों तापमान में काफ़ी इजाफा हो रहा था, कुछ देर की ही बरसात में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान नजर आए, जगह जगह जाम जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। और ये तस्वीरें आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की ही देख रहे हैं, कहीं पानी भरा हुआ है एक तरफ पूरी सड़क पर, देखिए लोग पैदल उतरकर अपनी बाइक्स पर जाने को सवार हैं, बाइक को घसीट रहे हैं पानी के अंदर क्योंकि पानी के कारण बाइक्स रुक गई हैं। कांवड़ियों के सामने भी बड़ी दिक्कत आ रही है, इस समय सावन का महीना चल रहे हैं, कांवड़िया हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश से लेकर जल लेकर आ रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए भोले का, वो भी जहां तहां अटके हैं इस बरसात में जो दिल्ली एनसीआर से गुजर रहे हैं। चाहे गाजियाबाद का इलाका हो, चाहे नोएडा का इलाका हो, सब जगह एक जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता लगातार पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी कड़ी में सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता कादम्बिनी शर्मा की रिपोर्ट। बारिश लगातार हुई जा रही है, और ये मैं ठीक प्रगति मैदान जो है वहाँ पर हूँ। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र वहाँ पर लिखा हुआ है। बारिश बीच में कुछ देर के लिए रुकी थी लेकिन अब लगातार बारिश हो रही है, और इसके कारण यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम भी हुआ है। काफ़ी कम से कम 15 मिनट मुझे हो चुके हैं यहाँ पर, खिसकती भी है गाड़ी तो बिल्कुल धीरे धीरे, और अगर आप कहीं पर रुक जाएं तो लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि बिल्कुल परेशान होने लगते हैं और हॉर्न वगैरह बजाने लगते हैं। एक एम्बुलेंस बहुत मुश्किल से यहाँ से निकली है अभी, और ये जो अंडरपास है यहाँ पर, जितने भी अंडरपास हैं इस इलाके में वो बंद कर दिए गए हैं। इसके कारण ट्रैफिक जो है वो बहुत मुश्किल ट्रैफिक हो गया है। बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है, और ये बारिश जो है और ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर खड़ी कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ इलाकों में जहाँ पर से निकले हैं वहाँ पर पानी लगातार जमा हो रहा है, और इस पानी के जमा होने के कारण गाड़ियाँ जो हैं एक तरफ होके चल रही हैं, क्योंकि अगर गाड़ी ज़रा भी नीचे है पानी उसमें चला जाता है तो फिर वो मुश्किल होगी, गाड़ी ख़राब होगी वहाँ पर। इस डर से लोग रोड के जो साइड में है जहाँ पर उनको पानी ज़रा कम दिखता है उस हिसाब से वो चला रहे हैं, लेकिन मुश्किल अभी भी है, और बारिश एक बार फिर से शुरू होने से हालात तो मुश्किल और हो सकते हैं। तो कादम्बिनी की आपने रिपोर्ट देखी, बता रही थी कि कैसे बरसात के कारण ट्रैफिक जहां का तहां जस का तस रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ा है, और उसकी वजह से वो भी काफी देर से ट्रैफिक में ही फंसी हुई थी। और ये केवल एक इलाके की स्थिति नहीं है, हमारे संवाददाता प्रशांत बता रहे हैं जहां पर वो मौजूद है वहां पर क्या स्थिति है। प्रशांत की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश हो रही है, पिछले 3 घंटे से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था कि शाम को 7 बजे से दिल्ली में बारिश शुरू होगी, वो पूर्वानुमान सच साबित हुआ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिंग रोड पर, जो मेट्रो स्टेशन है इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन, उसके नीचे जो रिंग रोड का नज़ारा है, और लोग अलग अलग तरीके से ये देखिए जो ये सड़क जा रही है, जो वो जो गाड़ियाँ आती हुई दिख रही है वो राजघाट की तरफ से गाड़ियाँ आ रही है आईटीओ की तरफ से, और ये दूसरी तरफ सरायकाले का खां की तरफ जा रही है। हालाँकि मैं जो रिंग रोड पर मौजूद हूँ इसलिए ट्रैफिक अभी बिल्कुल सामान्य है, बारिश जलजमाव जरूर है यहाँ पर लेकिन ट्रैफिक सामान्य है। हालांकि मैंने देखा है कई गाड़ियों को जो ख़राब हो गई है इस बारिश में जलजमाव की वजह से। ये देखिए कुछ आपको संभवतः दिख रहे होंगे बाइक वाले जो अपनी मोटरसाइकिलों पर को लेकर पैदल चले जा रहे हैं क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है। मैंने कुछ कारों को भी देखा है जो ख़राब थी और उस पर लोग जा रहे थे, उसको ठेलते हुए लोग जा रहे थे, तो ये देखिए ऑटो वाले की भी ऑटो ख़राब हो गई। तो यहाँ पर कमोबेश यही हालत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है, और जैसा हमारे साथी हिमांशु लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटे में इसी तरह का तो बारिश का पूर्वानुमान है। ये बारिश से एक तरह से राहत की खबर तो ज़रूर लेकर आई है दिल्ली वासियों के लिए, उमस भरी गर्मी से उनको राहत ज़रूर मिल रही है, लेकिन जब दिल्ली में इतनी बारिश होती है
तो एक तरह से ये आफत का सबब भी बन जाती है दिल्ली वासियों के लिए। और कुछ ऐसा ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एक ऑटो वाले की का ऑटो और ख़राब हो गया और उसके चलते पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई, क्योंकि कुछ ही जगह बचा है गाड़ियों को आने जाने के लिए, बाकी पूरा जल जमाव हो चुका है। तो अगर ये बारिश इसी तरह से होती रही तो कल का दिन वर्किंग डे है गुरुवार को, तो दिल्ली वासियों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि राहत ज़रूर है उमस भरी गर्मी से, लेकिन अगर ऐसी ही बारिश हुई तो कल सुबह लोगों को बिल्कुल सतर्क होकर निकलना पड़ेगा अपने घरों से। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, लगातार गाड़ियां यहां पर आ रही हैं और लोग जो कि किसी तरह से अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल, तो लोग यहां पर लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है। वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और यहाँ से मेट्रो पकड़कर अपने गंतव्य को जा रहे हैं। तो इस वक्त दिल्ली में पिछले 3 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और यहाँ पर जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने प्रशांत की इस रिपोर्ट में किस तरीके से हालात बिगड़े हुए बरसात के दौरान, लोगों को खासी परेशानी और दिल्ली के तमाम इलाकों में कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे संवाददाता रामजी शिंदे मधुविहार में मौजूद थे, वो वहां पर से क्या उन्होंने हालात देखे इसका पूरा ब्यौरा अपनी रिपोर्ट में वो दे रहे हैं, जरा रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में शाम से बारिश हो गई है और हम है मधुविहार के रिहायशी इलाके में, जहाँ पे सैयद रिडान की सोसाइटी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है और यहाँ पे जो सह्याद्री अपार्टमेंट है वहीं पे पानी जो है घुसा है। गाड़ियों के पार्किंग के लिए अभी जगह नहीं है क्योंकि पानी पार्किंग में भी घुसा हुआ है। हम जानेंगे कि क्या इसके मायने हैं कि बारिश इतनी हो गई है। आनंद जी, मुझे एक बात बताइए कि हर साल ऐसा ही पानी यहाँ पे आता है क्या? हर साल बारिश तो होती है मगर ये शायद कुछ 5-7-8 साल के बाद ही इतनी ज़्यादा बारिश इतनी कम देरी में हुई है। अच्छा। और उसकी वजह से ये आप देख पा रहे हो कि पानी को जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। अच्छा। मगर एक तरह से अच्छा भी है। अच्छा। पिछले कुछ दिनों से, 1 हफ्ते 10 दिनों से काफ़ी भीषण तकलीफ हो रही थी, गर्मी हो रही थी। अच्छा। तो इस बारिश एटलीस्ट ठीक है, वाटर लॉगिंग तो लेके आई है और तो साथ में कुछ राहत भी लेके आई है, ये मैं कहना चाहूँगा। अच्छा। तो आपके बहुत से दोस्त होंगे कि जो बाहर गए होंगे जॉब के लिए, आने में वक्त हो गया था कि उनको, क्योंकि ट्रैफिक जाम हर जगह पे हमें दिख रहा था। बिल्कुल, और हमारे भी यही कंसर्न था कि बहुत से ऑफिस के मेरे दोस्त जो निकले होंगे 6-7 बजे ऑफिस से, वो अब जाके 9:30-10 बजे लगभग पहुंच रहे हैं, तो उनको काफ़ी टाइम लगा है। अच्छा तो, अच्छा हम यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे मतलब कि हालात है कि पानी जब अंदर घुसता है तो पेड़ की पत्तियाँ से लेकर हर चीज़ जो है, मतलब कि मिट्टी भी, हम जब चल रहे हैं तो मिट्टी भी नीचे हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सोसाइटी में आपके हालत क्या है, किस तरह क्या हालात है? वैसे जनरली सोसाइटी में इतना वाटर लॉगिंग कभी होता नहीं है और ये वंस इन अ वाइल, वंस इन मे बी 2-3-4 ईयर्स ये फिनोमिना है। और मुझे लगता है क्योंकि बहुत ही कम देर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इसलिए शायद थोड़ा ड्रेनेज टाइम ले रहा है होने में, बट अदरवाइज़ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नेचर से कौन इतना वो कर सकता है। पार्किंग की जो जगह थी गाड़ियाँ लगाने की, कुछ गाड़ियाँ मैं बाहर भी देख रहा हूँ, शायद वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि आगे बहुत ज़्यादा पानी होगा, तो ऑन अ सेफर साइड इन्होंने शुरू में जहाँ पे एलिवेटेड है थोड़ा सा वहीं पे गाड़ी पार्क करके अपने अपने घर आराम से निकल गए हैं। बिल्कुल, रास्ते पर भी पानी दिखाई दे रहा है हमें इस गेट के इस पार्क, और उसके बाद सोसाइटी में, हर सोसाइटी में यहाँ पे मधुविहार एरिया में रही है, तो रामजी शिंदे की रिपोर्ट आपने देखी। अब मधुविहार की कुछ तस्वीरें भी आपको और दिखा देते हैं। एक कॉलोनी की तस्वीरें हैं जहां पर टखनों तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियां भी पानी में खड़ी हैं। शुक्रिया है कि ये लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं, यानी कि अपने दफ्तर से घर के लिए निकले थे लेकिन बीच में जहां तहां ट्रैफिक में अटके हुए हैं। सीधे हम अब आपको दिखाते हैं रिपोर्ट हमारे संवाददाता शुभांग की, गाजियाबाद में क्या स्थिति, गाजियाबाद में क्या हालात, इसके बारे में विस्तार से शुभांग बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार शाम से हो रही बारिश से फिलहाल पूरी दिल्ली अब डूबती नजर आ रही है। इस वक्त मैं दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद के सूर्यनगर में मौजूद हूँ और अगर मैं आपको यहाँ के कुछ हालात दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो आपको पानी में ग्रस्त दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो पूरा इलाका है ये यहाँ पर
पानी से जलभराव यहाँ पर हो चुका है। ना सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि जो तमाम इलाके आसपास के हैं, वो तमाम जो इलाके हैं उन सभी जगहों पर इसी तरीके से पानी फिलहाल भर चुका है। अगर हम IMD की माने तो देखिए इस वक्त ऑरेंज अलर्ट दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा सहित कई इलाकों में फिलहाल कई राज्यों में हो चुकी है। लेकिन ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप इस समय घरों से बाहर ज़्यादा ना निकले, क्योंकि IMD के मुताबिक भी, और अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस ने फिलहाल जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करी है, ऐसे में मिंटो ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से पानी में नीचे भर चुका है। तो वहाँ से जो CP का सर्कल है वहाँ जाने के लिए रास्ता फिलहाल बनाया गया है। लेकिन जो मैं आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये लगातार शाम से हो रही बारिश की वजह से है, और ऐसी ही बारिश कल भी होगी, क्योंकि जो IMD है उन्होंने ऑरेंज अलर्ट इसको देख करके जारी कर दिया है। तो सबसे पहले ऐसे समय में घरों से बाहर ज़्यादा बाहर ना निकले, लेकिन अगर आपको ऐसे में भी इमरजेंसी होती है तो ध्यान रखें कि आप गाड़ी की जो गति है उसे कम रखें। गाजियाबाद से शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। तो बारिश के बाद जाम है, दिल्ली में त्राहिमाम है। आप इस नंबर पर जो आपको TV स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पर आप अपनी वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। जिस भी इलाके में आप मौजूद हैं वहां का वीडियो बनाइए, इस पर अपलोड कर दीजिए, हमें भेज दीजिए, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को NTV इंडिया पर दिखाएंगे। तो गाजियाबाद के हालात आपने देखे, एक नंबर भी हमने आपको दिया है, उस पर हमारी गुजारिश आपसे यही है कि उस पर आप अपने इलाके की जहां पर भी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, परेशानी में किसी को देख रहे हैं, तो वो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हम तक भेज सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है हमारा है, उसके ज़रिए आप हम तक ये पहुँचा सकते हैं। हमारे संवाददाता अतुल की रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं, वो किस तरीके के हालात फिल्म सिटी में हैं उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। वक्त मौजूद है दिल्ली से नोएडा, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा हो रखा है, किस तरह से पानी इतना इकट्ठा हो रखा है कि लोग जो हैं, अभी हम देख रहे थे कि आप देखिए वहाँ पे किस तरह से एक कार जो है वो फंसी पड़ी है, और लोग जो हैं जिनको जिन्हें इस रास्ते से जाना है वो फिलहाल, आप देखिए यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखाएं ज़रा किस तरह से लोग यहाँ रुके हुए हैं, ताकि वो आगे नहीं जा पा रहे, वो सोच रहे हैं कि क्या आगे जा सकते हैं या नहीं, आगे कितना खतरा। भैया आगे बताइए कितना इधर पानी है, बताइए जरा। बहुत देर से पानी है भैया, बहुत पानी इधर। हाँ। आप देखिए कि ये चप्पल उतार के आ रहे थे अब, अभी इस समय बहुत ज्यादा पानी है आगे। हाँ, बहुत, दो तीन चार घंटे से इसमें पानी। आप देखिए कि जो स्थानीय लोग जो उस साइड से आ रहे थे उनका ये कहना है कि आप गाड़ी को काफ़ी धीरे लेके जाएं। आप देखिए वहाँ भी वो जो कार है वो कब से वहीं पे रुकी पड़ी है, ये आप यहाँ देखिए एक बाइक सवार जो है, एक और कार जो है वो किस तरह से अब यहाँ पे रुकी पड़ी है, और उन्हें बारिश जो हुई है लगातार पीछे 2-2.5 घंटे से दिल्ली NCR में रेड अलर्ट के बाद, उससे कहीं ना कहीं जो यातायात है उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। और आप अब देखिए कि बारिश इस वक्त भी, अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, लेकिन बारिश इस वक्त भी लगातार काफ़ी तेज़ हो रही है, और जिसका सीधा सीधा असर जो है वो ट्रैफिक पर पड़ा है, और लोगों के का जो जीवन है, जो अभी घर की ओर जो काम से लोग लौट रहे थे उन पर असर पड़ा है। दिल्ली से अतुल रंजन, NTV इंडिया। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरी एक्सप्रेसवे है वो जाम से मग्न हो गई है, और इस वक्त तेज बारिश हो रही है, और दिल्ली NCR में शाम से बारिश हो रही है, और इस वक्त जो है दिल्ली NCR को रेड अलर्ट पे रखा गया है, और तेज बारिश के बीच ये जो गाड़ियां हैं वो पिछले 1 घंटे से यहाँ पे ही है, और ये काफी तेज बारिश है, और आप देख सकते हैं किस तरह से एम्बुलेंस जो है वो भी इसी जाम में फंसी हुई है, और किस तरह से दूर तक एक कतार लगी हुई है, लंबी कतार, गाड़ियों की लंबी कतार हम देख सकते हैं, और इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है, और कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं इस जाम में। दिल्ली से अतुल रंजन के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया। तो दिल्ली NCR परेशान हैं, लोग बेहाल हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि पहले बरसात, उसके बाद जलजमाव, और फिर ट्रैफिक जाम का लंबा इंतज़ार ट्रैफिक जाम में उनको करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं जाम की वजह से, पिछले कई घंटे से वो जाम में फंसे हुए हैं, और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि आखिर इस जाम से बाहर कैसे निकला जाए। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि दिल्ली में भारी बरसात होने वाली है, और ये अलर्ट 2 दिन के लिए जारी हुआ था, एक आज के लिए अलर्ट था। आज शाम से बरसात का सिलसिला शुरू हुआ। आपको बताएं दिन में तेज़ गर्मी थी, उमस भरी गर्मी थी,
लोग बारिश की दुआ कर रहे थे, बरसात हुई शाम होते होते, लेकिन बरसात के बाद जो उसके साथ परेशानी आती है उसको अब झेलना पड़ रहा है दिल्ली वालों को। आपको बता दें कि आज के लिए भी बारिश का अलर्ट है और कल के लिए भी बारिश का अलर्ट है। कल भी बारिश होने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये ऑरेंज अलर्ट केवल दिल्ली के लिए नहीं है बल्कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों जिसमें पंजाब भी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, जिसमें हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश के कई हिस्से भी हैं, उन तमाम राज्यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि मध्यम से तेज बरसात हो सकती है कुछ इलाकों में, मूसलाधार बरसात की भी आशंका जाहिर की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में सलाह लोगों को यही दी जा रही है कि संभलकर इस मौसम में घर से निकलें। और जो ये तस्वीरें देखिए, कुछ जगह ऐसे भी थे जहां पर कुछ निर्माणाधीन जो चीज़ें थीं वो गिरी हैं, जो स्ट्रक्चर्स से वो गिरे हैं। और इसमें देखिए आप बाइक को हम दबे हुए देख सकते हैं मलबे के अंदर, वहाँ पर रेस्क्यू के लिए टीमें पहुँची हैं, पुलिस बल वहाँ पर पहुँचा है, NDRF की टीम वहाँ पर पहुँची है और तमाम जो सुरक्षा बल हैं या बचाव कर्मी हैं वो मुस्तैद हैं इन विपरीत हालात में भी लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए। अलग अलग इलाकों से कुछ अपुष्ट खबरें भी आई हैं, कुछ पुष्ट खबरें भी आई हैं, कुछ की तस्वीरें भी सामने अब आ रही हैं कि कैसे कहीं पर होर्डिंग गिरा गाज़ियाबाद में, कहीं कुछ पुरानी इमारतों के गिरने की खबर है और इस पूरे इलाके में जहां पर ये हादसे हुए हैं वहां पर लोगों के जहन में डर आना स्वाभाविक है। लेकिन गनीमत यह है कि जो हालात थे उसके बावजूद उन चुनौतियों को पार करते हुए पुलिस बल पहुंचे हैं घटनास्थल पर ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता पल्लव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस समय वो ITO पर मौजूद हैं। इस समय क्या तस्वीर है पल्लव वहां पर, क्या कुछ राहत पहले से मिली, काफी जाम लगा हुआ था, क्या कुछ जाम अब खुला है या स्थिति जस की तस है? आप देखिए अनंत, मैं इस समय ITO के पास हूँ और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको तस्वीर दिखाएं। एक बहुत ही भारी और लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम लगभग जानकारी के मुताबिक पिछले 1.5 से 2 घंटे से ये जाम लगा है। वो आप आगे की तस्वीर देख रहे हैं, पीछे का भी जो नज़ारा है वो ऐसे ही लगा हुआ, ऐसे ही देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ी देर पहले आनंद जो है अभी मंडी हाउस पे था और मंडी हाउस से ITO तक मुझे आने में लगभग 1 घंटा लग गया और अब तमाम गाड़ियां यहां फंसी हुई हैं। जो है जैसे ही दिल्ली में बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, उसके बाद से जो है जो ट्रैफिक सिस्टम है वो एक बार फिर से जो है चिंता का सबक बन गया दिल्ली वासियों के लिए। और आप देख सकते हैं कि आम तौर पे जो 6 बजे के बाद लोग घर ऑफिस से निकलते हैं घर जाने के लिए, लेकिन आज जो बारिश हुई उसके बाद इनका घर पहुंचने का जो इंतज़ार था वो और लंबा हो गया। जानकारी के मुताबिक लगभग 2 घंटे से अधिक समय से लोग यहां फंसे हुए हैं और ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे कई गाड़ियां हैं जो यहां पे खड़ी हैं रेड लाइट के पास और ये जाम बहुत लंबा है। अनंत, ये जाम लगभग मंडी हाउस से लगा हुआ है और मंडी हाउस से जो है ये जो है आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि मंडी हाउस से जो है लेकर यहाँ तक ITO तक ये लंबा जाम लगा है। यहाँ से आगे रेड लाइट से राइट मुड़ेंगे तो आप दिल्ली होते हुए, अक्षरधाम होते हुए नोएडा जाएंगे और कई जो इसमें से जो गाड़ी वाले हैं वो नोएडा अपने घर के लिए निकले हैं, लेकिन जो यहाँ पे जाम लगा है अनंत वो इनको बहुत तकलीफ दे रहा है। और ये जाम की स्थिति है इसको देख के लग रहा है कि अभी ये जाम ऐसे कम से कम अगले 1 घंटे से 1.5 घंटे तक ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी। अनंत जी, ये तो जाम की तस्वीरें तो आपने दिखा दी हमें पल्लव, बहुत लंबा जाम है, कई किलोमीटर का ये जाम दिखाई दे रहा है और जल्द खुलने के आसार भी नहीं है। हालांकि ये गनीमत है कि रेड लाइट्स अक्सर बरसात में ख़राब हो जाती हैं लेकिन रेड लाइट अब काम कर रही है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पानी यहाँ पर चढ़ा हुआ था, जो जल जमाव यहाँ पर हो गया था, क्या पानी वो उतर चुका है या अभी भी आप वो स्थिति देख रहे हैं? देखिए अनंत, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे मतलब बहुत पानी था और वाटर लॉगिंग की समस्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है ये पानी खुद कम होता जा रहा है, लेकिन हवाएं काफ़ी तेज चल रही हैं और पानी की जो समस्या थी अब वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पे भारी पानी था और पानी की रफ्तार भी बहुत तेज़ थी, इसके बाद से ये जो स्थिति आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो उत्पन्न हो गई। अनंत जी, अतुल एक आखिरी सवाल मेरा आपसे पल्लव, वो सवाल ये है क्या बरसात अभी भी हो रही है?
देखिए अनंत, हवा तो काफ़ी तेज चल रही है, बारिश थोड़ी देर पहले बंद हो गई, लेकिन जो रुक रुक के जो हल्का बूंदाबांदी है वो अभी भी जारी है। जहां मैं ITO पे खड़ा हूं, यहां पे अभी भी जो है जो बूंदाबांदी है वो अभी भी इस वक्त जारी है, और इसीलिए जो पानी है भले कम हो रहा है लेकिन पानी अभी भी सड़क पर बना हुआ है, जिसके वजह से लोगों को ये तकलीफ हो रही है। मैं अपने कैमरा से कहूँगा कि इसको पैन करके दिखाएं कि पीछे के साइड में कई एम्बुलेंस है वो फंसी हुई हैं, और इतना लंबा ये जाम लगा हुआ है जिसके वजह से लोगों को ये परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव आपका इस पूरी जानकारी के लिए।